दोस्तों न्यूयॉर्क के मैदान पर जब एक दूसरे के आमने सामने आए जानी दुश्मन इंडिया और पाकिस्तान, तब रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐतिहासिक मुकाबले में हुआ कुछ ऐसा। दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हुआ पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर कैसे पाकिस्तान की कातिलाना गेंदबाजी के आगे घुटने टेक गया भारत का सितारों से सजा बैटिंग क्रम? कैसे ऋषभ पंत ने मचाई टीम की लाज? आखिर कैसे केवल 120 रन डिफेंड करते हुए भी भारतीय गेंदबाजों ने लिख डाला है नया इतिहास? कौन सा गेंदबाज बना हिंदुस्तान के लिए संकट मोचन? इस ब्लॉकबस्टर सुपरहिट मुकाबले की सांसें थाम देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान में से कौन उठाएगा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों महीनों के इंतजार के बाद वो घड़ी आ चुकी है जिसका पूरे क्रिकेट जगत को बेसब्री से इंतजार था। न्यूयॉर्क के नशाऊ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और पाकिस्तान जब T20 वर्ल्ड कप 2024 के सबसे बड़े ऐतिहासिक मैच के लिए मैदान में उतरी, तब रोंगटे खड़े कर देने वाले कांटे के घमासान में जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि समय पर तो मैच शुरू नहीं हो पाया, लेकिन बारिश की वजह से हुई देरी के बाद टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तब किस्मत आज के दिन बाबर आजम के साथ थी। उन्होंने टॉस जीतकर हिंदुस्तान को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान के गेंदबाज अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से कुछ ऐसा कर जाएंगे कि पूरा हिंदुस्तान कुछ पल के लिए सदमे में आ जाएगा। दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से टीम इंडिया के दो सबसे बड़े धुरंधर कप्तान रोहित शर्मा के साथ किंग कोहली विराट कोहली की खतरनाक जोड़ी ओपनिंग करने के लिए आई थी। कप्तान हिटमैन ने अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही शाहीन अफरीदी को तारामंडल के दर्शन कराते हुए तूफानी छक्के से अपना खाता खोला। दूसरी तरफ किंग कोहली ने भी दूसरा ओवर लेकर आए नसीम शाह की पहली गेंद पर उनका स्वागत कवर को चीरते हुए करारा चौका जड़कर किया था। इन दोनों की विस्फोटक शुरुआत मिल चुकी थी, ऐसा लगा था कि आज तो ये दोनों पाकिस्तान को अकेले धज्जियां उड़ाकर रख देंगे, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे पूरा हिंदुस्तान कभी भी नहीं भूल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, महज तीसरी ही गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए नसीम शाह ने विराट को अपने जाल में फंसा लिया, या कहें विराट गलती कर बैठे। एक बार फिर चौका लगाने के चक्कर में उनका आसान सा कैच उस्मान खान ने लपका और किंग कोहली तीन गेंद पर केवल चार रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके रूप में पहला झटका टीम इंडिया को लगा। अब नंबर तीन के पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत को भेजा गया था। दूसरी तरफ कप्तान रोहित खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन गरीबी में आटा गीला विराट के विकेट से भारतीय टीम उबर भी नहीं पाई थी कि तीसरे ओवर में शाहीन अफरीदी ने रोहित शर्मा का शिकार कर टीम इंडिया की कमर ही तोड़ दी। जी हाँ दोस्तों, इस बार भी रोहित ने अफरीदी के खिलाफ कुछ इसी अंदाज में छक्का लगाना चाहा, लेकिन वो केवल बाउंड्री पर फील्डर को ढूंढ पाए और अचानक से भारत के दोनों ओपनर वापस जा चुके थे, जहां कप्तान रोहित भी 12 गेंद पर एक चौके और एक छक्के की बदौलत केवल 13 रन बना पाए। तीन ओवर में 20 रन बनाकर टीम इंडिया ने अपने दो सबसे बड़े खिलाड़ी गंवा दिए थे। अब ऋषभ पंत के साथ अक्षर पटेल मोर्चा संभालने के लिए आए थे, जो बेहद भूख भूख कर कदम रख रहे थे। यहां से किसी एक खिलाड़ी को समझदारी से टिककर बैटिंग करने की जरूरत थी, पर पांचवें ओवर में ही शाहीन अफरीदी के खिलाफ अक्षर ने जरूर खतरनाक अप्रोच अपनाते हुए एक चौका और एक खतरनाक छक्का जड़ दिया। तो पावर प्ले की अंतिम ओवर में भी ऋषभ पंत ने अपना अतरंगी दिखाते हुए आमिर की बेदर्दी से पिटाई कर दी, बेहतरीन चौके लगाए और 6 ओवर में टीम इंडिया को 50 रनों तक 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। भारतीय गाड़ी पटरी पर वापस आने लगी थी, ऐसा सबने सोचा था, क्योंकि इन दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी। पहली बार पाकिस्तानी खेमे में हलचल और टेंशन देखी गई, लेकिन दोस्तों क्रिकेट तभी तो अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है। एक बार फिर इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया जब 8वें ओवर में नसीम शाह ने अक्षर पटेल को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को तीसरा झटका दिया, जहां अक्षर पटेल 18 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 20 रन बन गए। 9 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया ने 68 रन बना लिए थे, जो T20 के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। यहां से भारतीय टीम को कम से कम 180 रनों तक जाना था, यानी कि गियर में बदलाव करने की सख्त जरूरत आन पड़ी थी, क्योंकि अब तक पाकिस्तान ही मैच में हावी था। इसी जरूरत को समझते हुए पंत ने आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू किया। 10वें ओवर में हैरी श्रॉफ को आड़े हाथों लेते हुए पंत ने एक के बाद एक 3 गेंद पर 3 खतरनाक चौकों की हैट्रिक बटोरी, 10 ओवर में अपनी टीम को 81 रनों तक पहुंचा दिया। अब ऋषभ पंत अपना विकराल रूप धारण कर चुके थे, उन्होंने
अकेले ही पाकिस्तान की नाक में दम करके रखा था। लेकिन दोस्तों शायद हिंदुस्तान की किस्मत खराब थी, ऋषभ पंत को दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल रहा था। यहां तक कि सूर्या, जिनसे सभी ने उम्मीद की थी वो बड़ी पारी खेलेंगे, वो भी 10वें ओवर में हैरी श्रॉफ के खिलाफ बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में मोहम्मद आमिर के हाथों कैच आउट हो गए। जाने से पहले उन्होंने केवल 7 रन बनाए और केवल 89 के स्कोर पर टीम इंडिया को चौथा झटका लग चुका था। अब ऋषभ पंत का साथ मैदान पर निभाने शिवम दुबे आ चुके थे, लेकिन दोस्तों T20 के नंबर 1 खिलाड़ी के वापस जाने के बाद टीम इंडिया का ऐसा डाउनफॉल आएगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जी हाँ, ये तो टीम इंडिया का गोल्डन पीरियड था, उसके बाद ऐसा तबाही का मंजर आया कि पूरा हिंदुस्तान खून के आंसू रोता नजर आया। बैटिंग करने उतरे शिवम दुबे को 14वां ओवर लेकर आए नसीम शाह ने अपने जाल में फंसा लिया, या कहें दुबे ने इतना खराब शॉट खेला कि गेंदबाज को ही अपना कैच देकर कॉटन बोल्ड हो गए। इसी के साथ टीम इंडिया को 5वां झटका लगा, जहां दुबे 9 गेंद खेलकर केवल 3 रन बना पाए, तो 15वां ओवर लेकर आए मोहम्मद आमिर ने तो अकेले टीम इंडिया को पूरी तरीके से साफ कर दिया। पहली गेंद पर उन्होंने अब तक टीम इंडिया के संकट मोचन साबित हुए ऋषभ पंत का शिकार किया, जिनका आसान सा कैच बाबर आजम ने लपका और ऋषभ पंत 31 गेंद पर 6 चौकों की बदौलत 42 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तो उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने उतरे रविंद्र जडेजा को पहले गेंद पर पवेलियन के दर्शन करा आमिर ने टीम इंडिया की जीत की उम्मीदों को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। उनके लगातार 2 विकेटों ने भारतीय टीम की हालत बिगाड़ दी थी। मैच 96 रन ही बने थे और भारतीय टीम के टॉप 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। अब मैदान पर केवल हार्दिक पांड्या के साथ अर्शदीप सिंह मौजूद थे, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को फाइटिंग टोटल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। और आते ही अर्शदीप सिंह ने चौका जड़कर टीम इंडिया को 100 रनों के पार ले जाकर खड़ा कर दिया। लेकिन टीम इंडिया को आखिरी उम्मीद हार्दिक पांड्या से थी, वो भी 12 गेंद पर केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो पहले गेंद पर बैटिंग करने उतरे इमाद वसीम को आसान सा कैच दे बैठे और 112 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया ने अपना 9वां विकेट भी गवा दिया। बस फिर क्या था, पूरी की पूरी टीम इंडिया 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 19 ओवर में ही 119 रनों पर ऑल आउट हो गई। अब टीम इंडिया को एक बेहद ही छोटा सा लक्ष्य डिफेंड करना था, जो कि इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। पाकिस्तान को जल्द से जल्द जीत दिलाने उनके कप्तान बाबर आजम के साथ मोहम्मद रिजवान की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए आई थी। टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, लेकिन शायद आज ऊपर वाला भी भारत से नाराज था। पहले ओवर में ही अर्शदीप सिंह के आगे दोनों बल्लेबाजों ने 9 रन ठोक डाले, तो दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज का स्वागत ही पाकिस्तानी कप्तान ने अपनी शानदार स्ट्रेट ड्राइव से चौका लगाकर किया और पूरे हिंदुस्तान को मायूस कर दिया। 3 ओवर में पाकिस्तान ने 19 रन बना लिए थे और अब तक टीम इंडिया को कोई भी सफलता हासिल नहीं हो पाई थी, यानी कि भारतीय टीम आसानी से इस दर्दनाक हार की तरफ बढ़ रही थी। यहां तक कि इस दरमियान शिवम दुबे ने एक ऐसा आसान कैच छोड़कर टीम इंडिया के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया था। 17 ओवर में मुश्किल से पाकिस्तान को केवल 101 रन चाहिए थे, जो वो आसानी से बना सकते थे, ऐसा सबका मानना था। लेकिन सलाम है भारतीय गेंदबाजों को, उन्होंने भी तगड़ी वापसी करी, पाकिस्तान की नाक में दम करना शुरू कर दिया। ऐसा लगा था कि शायद टीम इंडिया इस मुकाबले में वापसी कर जाए, और फिर इस मैच में कुछ ऐसा हो गया जिसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, और एक बार फिर यह मैच इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा गया। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया और पाकिस्तान में कौन उठाएगा T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? अपनी कीमती राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।